नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दांतों के सड़न व दांतों के दर्द को दूर करने का एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दांतों के मसूड़े जो हैं फूल गए हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलने की वजह से अगर आप खाना खा नहीं पाते हैं तो मसूड़ों की सूजन को दूर करेगा। इसके अलावा दांतों में सड़न हो गई है, दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटी हो गया है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतना तेज दर्द होता है, तो आप बिल्कुल घर पर ही उसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मुसीबत तब आती है जब रात्रि में 12 बजे 2 बजे 3 बजे हमारे दांत अचानक से दर्द करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारे घर में कोई भी दवाई नहीं होती है। तो ऐसे में कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप घर पर ही इजीली कर सकते हैं और इससे आपके दांतों के सड़न हो, दांतों में दर्द हो, कैविटी की समस्या हो, बिल्कुल फायदा मिलता है। तो दो नुस्खे बताऊंगा, अगर आप चाहें तो दोनों को कर सकते हैं या फिर किसी एक को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है ये दोस्तों फिटकरी को। फिटकरी को इंग्लिश में एलम कहते हैं। और दोस्तों यह फिटकरी जो होता है, दांतों के सड़न हो, दांतों में दर्द हो, दांतों में पारिया लग चुका हो, मसूड़ों की सूजन हो, तो बिल्कुल ठीक कर देता है। और दोस्तों फिटकरी के बहुत सारे अन्य फायदे भी होते हैं। गला आपका बैठा हुआ है, बोला नहीं जा रहा है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलता है। और फिर फिटकरी का ये जो नुस्खा है दोस्तों, इसका प्रयोग गांव में लोग अभी भी करते हैं और जब भी उनके दांतों में दर्द होता है तो इसका प्रयोग करके अपने दांतों के दर्द को ठीक भी कर लिया करते हैं। और ये फिटकरी आपको पंसारी के दुकान पर इजिली मिल जाएगी, लेकिन जब भी आप फिटकरी को लेकर के आए तो आप ध्यान रखें दोस्तों, फिटकरी जो है रो फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इस तरह से फिटकरी लेनी चाहिए। जो पैकेट में बंद करके फिटकरी आते हैं वो हो सकता है डुप्लीकेट हो, ज़्यादा वर्क नहीं करे। तो करना क्या है, आपने लेना है फिटकरी को और इसको छोटा सा एक हिस्सा आप जो है तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद पीस लीजिए। पीसने के बाद आप क्या कीजिए, आप जो है गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में पीसे हुए फिटकरी को डाल दीजिए, डालने के बाद अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद आपको इससे ले करके गरारा करनी है, कुल्ला गरारा करनी है। इससे आप देखेंगे आपके दांतों के दर्द, सड़न, मसूड़ों की सूजन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। गला बैठा हुआ है तो गले के बैठने की समस्या से भी निजात दिलाएगा। और दोस्तों ये फिटकरी का नुस्खा बहुत ही ज़्यादा काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नुस्खे की। तो इसके लिए आपको लेना होगा ये दोस्तों लहसुन की कलियों को। लहसुन जो होता है दोस्तों, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो दांतों में दर्द हो, दांतों में सड़न हो, कीड़े पनप गए हो, तो कीड़ों को मारने का काम करता है और दांतों के दर्द से निजात दिलाता है। तो इसमें दो और चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने दो लहसुन की कली को लेनी है, आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेनी है। दो लहसुन की कली को ले करके और आपके घर में इमाम दस्ता है कुछ इस तरह से, तो आपको इसको बहुत ही महीन कर लेनी है। दोस्तों रात्रि में जब दर्द हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है, तो उस समय आप चाहें तो इस नुस्खे का प्रयोग करके आप देखना, आप ज़रूर कमेंट करोगे। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, पेट में गैस हो, दर्द हो, तो हर दिन कमेंट आते हैं कि सर आपके वीडियो से ना बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद सर्च मारते हैं तो हमारे वीडियो मिल जाते हैं, तो लोग देख करके फ़ायदा आजमा लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनको राहत भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको इतनी ही महीन कर लेनी है, आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा और महीन कर सकते हैं। तो इस तरह से महीन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे कांच के बर्तन में निकाल लेनी है, आपको स्टील के बर्तन में दोस्तों इसको नहीं निकालनी है। स्टील के बर्तन में जब आप इसको निकालेंगे तो इसका असर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आप एक कांच के बर्तन में निकाल लीजिए, या फिर आप इमाम दस्ते में से कूट रहे हैं तो उसी में ही आप इसका प्रयोग करके अन्य चीज़ों को मिला करके बना सकते हैं। इसके बाद आप डालिए ये दोस्तों हल्दी को। हल्दी जो होता है दोस्तों, मसूड़ों की सूजन हो, दांतों में दर्द हो, पायरिया की समस्या हो, खून निकलता हो, दांत बहुत तेज दर्द करता हो, तो बहुत फायदा करता है। तो कुछ इतनी ही मात्रा में आप यहाँ पर देख लीजिए हल्दी का प्रयोग यहाँ पर कीजिए। और हल्दी को डालने के बाद आपको यहाँ पर इसमें तीसरा चीज़ लेनी है ये दोस्तों सरसों के तेल को। अब सरसों का तेल अपने देश भारत में हर किसी के किचन में, हर किसी घर में आसानी से मिल ही जाता है और सरसों के तेल के बहुत सारे अन्य फायदे होते हैं। इससे आप चाहें तो अपने मसूड़ों की मसाज भी कर सकते हैं, इससे मसाज करने से हमारे दांत जो है ना अच्छे खासे मजबूत बने रहते हैं।
तो आप यहाँ पर 2 से 4 बूंद के बराबर सरसों के तेल की मात्रा को लेकर के इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद इन तीनों को अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों आप एक बार जरूर इसका प्रयोग करके देखिए, आपके दांतों में चाहे कितना भी सड़न हो, दर्द हो, बिल्कुल बिल्कुल फायदा करेगा। तो आप जब इस तरह से लहसुन को थोड़ा और महीन करेंगे तो और ये अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। पेस्ट को तैयार करने के बाद आप लीजिए कॉटन बॉल यानी कि रुई, रुई भी ना हो तो आप ऐसे ही इसको अपने दांतों में दाब सकते हैं। इस तरह से लीजिए और बीच बीच से रखिए। रखने के बाद चारों ओर से ऐसे कर दीजिए और इस तरह से अपने दांतों के अंदर ले जा करके इस तरह से दाब लीजिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पर आपके मुख से जो पानी निकल रहा है, लार निकल रहा है, वो अंदर नहीं जाएगा और आपके दांतों के दर्द से निजात दिलाएगा। आप चाहें तो दोस्तों आप इसको हर 15 मिनट में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो, और आप इसका प्रयोग जितनी बार चाहें कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये आपके दांतों के दर्द, दांतों के सड़न, दांतों में कीड़े की समस्या से निजात दिलाता है। तो आप इसका ट्राई ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों।